dear students in this module we are going to discuss self fulfilling prophecy from symbolic interactionist point of view the interactionist perspective is a theoretical framework in sociology that emphasizes the role of individual behavior and social interactions in shaping the society while self fulfilling prophecy refers to the phenomenon in which an individual's beliefs

बिल्कुल इसी अंदाज से बच्चों की तरबियत के अंदर जो सेल्फ़ फुलफ़िलिंग प्रोफेसी है वो भी एक बड़ा कलीदी किरदार अदा करती है तो बेसिकली सेल्फ़ फुलफ़िलिंग प्रोफेसी ये है कि जब कोई भी बच्चा किसी तरह का बिहेवियर रिफ्लेक्ट करता है तो उस बिहेवियर को बच्चे के आ, बच्चे के टैलेंट की जो है वो अल्टीमेट रिफ़्लैक्शन समझ लिया जाता है और टीचर्स जो हैं उसको उसी तरह से लेबल करना शुरू कर देते हैं और जब एक दफ़ा बच्चे के ऊपर एक खास टैग या लेबल लग जाता है तो फिर बच्चा अपने उस बिहेवियरल एक्सपेक्टेशन को जो है कंफर्म करना शुरू कर देता है मिसाल के तौर पे अगर शुरू के अंदर एक बच्चे को जो है वो इंटेलिजेंट या जहीन का लेबल मिल जाता है तो फिर बच्चे के लिए अपने उसी लेबल को कैरी करना जो है वो बहुत अहम बन जाता है और आहिस्ता आहिस्ता बच्चा उस बिहेवियर को कन्फर्म करता रहता है दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिस बच्चे को नालायक या निकम्मे का खिताब दे दिया जाता है उस बच्चे के अंदर उसी तरह का एक इंफ्रॉर्टी कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाता है और वो बच्चा ये समझता है कि शायद मैं अपने ज़िंदगी के अंदर कभी भी एक्सेल नहीं कर सकता तो सेल्फ़ फुलफ़िलिंग प्रोफेसी के तहत ऐसे बच्चे जो हैं वो फिर एक तसलसल के साथ अपने उसी बिहेवियरल एक्सपेक्टेशन के ऊपर पूरा उतरने की कोशिश करते रहते हैं सो इन द इंटरेक्शनिस्ट इस परस्पेक्टिव सेल्फ़ फुलफ़िलिंग प्रोफेसी इज सीन As a means of shaping individual and collective behavior and shaping its social outcomes. In Pakistan, for example, self-fulfilling prophecies can be seen in the ways in which stereotypes and prejudices about certain groups shape individual behavior and its social outcomes. So, hawale in Pakistani school, private schools. और ऐसे स्कूल जो के जिनके अंदर प्रॉपरली ट्रेन स्टाफ नहीं होता वहाँ पे अक्सर बच्चों को जो है वो इस तरह के लेबल दिए जाते हैं और बच्चे अपने उन लेबल्स को कैरी करते हुए आउट देयर लाइफ जो है वो उसी तरह से बिहेव करने की कोशिश करते हैं तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू तो सी के सेल्फ़ फ़ुलफ़िलिंग प्रोफेसी जो है वो किस तरह से ना सिर्फ हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करती है बल्कि हमारे पोटेंशियल को भी उस अंदाज से अफेक्ट करती है अगर कोई बच्चे के अंदर टैलेंट या पोटेंशियल मौजूद है भी तो वो पर्टिकुलर लेबल जो है वो हो सकता है कि उस टैलेंट को एक्सप्लोर ना होने दे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऐसे बच्चे जो जिनके अंदर शायद नेचुरल कैपेबिलिटीज़ उतनी ना हो लेकिन अगर शुरू से उनको उनको अप्रिशिएट किया जाता है उनकी हौसला अफजाई की जाती है और उनको इस तरह के पॉजिटिव लेबल्स दिए जाते हैं तो ऐसे बच्चों के अंदर ये प्रोपें प्रोपेंसिटी टू एक्सेल And propensity to work hard. Jo hai, wo hai. Understanding the role of self-fulfilling prophecies is essential for analyzing the ways in which individual behavior and social interactions shape the social outcomes and it perpetuates the social inequality. So self-fulfilling prophecy is the use of symbols, it's the use of uh, it's rather the construction of social reality. तो जिस तरह से हम बाकी इदारों के अंदर देखते हैं इसके मुख्तिस सिम्बल्स के, के ज़रिए हम अपने बिहेवियर्स को एक्सप्रेस करते हैं इसी तरह से इसके अंदर भी ये देखा जाएगा कि कैसे जो सेल्फ फुलफ़िलिंग प्रोफेसी के ज़रिए पोटेंशली एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो है वो सोशल इनकोलिटी प्रोड्यूस की जाती है द स्टडी ऑफ सेल्फ़ फुलफ़िलिंग प्रोफेसीज रिक्वायर अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच अगेन हम इसमें ये देखेंगे कि सिर्फ़ इसको सोशोलॉजिकल लेंस से नहीं देखा जा सकता इसके कुछ साइकोलॉजिकल रिप्रकशंस भी हैं इसके कुछ जो हैं वो सोशल और पर्टिकुलरली हिस्टोरिकल रिप्रकशंस हैं सो बाय एनालाइजिंग द कंप्लेक्सिटीज़ ऑफ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज, वी कैन गेन अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेज इन विच इंडिविजुअल बिलीव्स एंड एक्सपेक्टेशंस शेप सोशल इंटरेक्शन एंड इम्पैक्ट द इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव वेलबींग सो एग्ज़ैम्पल्स ऑफ दिज इंटरवेंशन एम्ड एट चैलेंजिंग द नेगेटिव स्टूडियोटाइप एंड प्रज इन पाकिस्तान इंक्ल्यूड एजुकेशन एंड अवेयरनेस रेजिंग कैंपेंस तो इस हवाले से हमें अवेयरनेस कैम्पेन्स की ज़रूरत है कि किस तरह से जो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेस हैं वो नगेटिवली बच्चों के ऊपर जो है वो असरअंदाज हो रही है टीचर्स को ट्रेन करने की ज़रूरत है उनको सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है कि उनकी ये कोशिश होनी चाहिए कि बच्चों को अप्रिशिएट करें बच्चों को इस तरह से स्टेरियोटिपिकली जो है वो लेबल ना किया जाए ताकि फ्यूचर के अंदर उनके भी एक्सेल करने की इक्वल पॉसिबिलिटीज़ मौजूद रहें